व्हाट्स अप गाइस, रॉय बॉय हियर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिस हिसाब से मैं वेट कर रहा था, मुझे लाइव इन्फॉर्मेशन और लाइव लीक्स मिले ताकि मैं आपको कंफर्मेशन और करेक्ट न्यूज़ पहुंचा सकूं, फाइनली हमें मिल गया। कल ही कल हमें बहुत सारे लाइव इमेजेस गैलेक्सी नोट 10 के बारे में हमें मिला। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये वायरल हो चुका है। ये बस आइस यूनिवर्स के लीक्स नहीं है या फिर किसी और के लीक्स नहीं है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन लीक है और ये हैंड ऑन डिवाइस का लीक है। आप देख सकते हो कि गैलेक्सी नोट 10 प्रो मॉडल जो था, आपको लगता था कि ये उसका हाई एंड मॉडल को नोट 10 प्रो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है गैलेक्सी नोट 10 प्लस और सिक्योर्ड बाय नॉक्स एंड पावर्ड बाय एंड्रॉयड। सो स्टार्ट स्क्रीन में जैसे ही बता दिया कि ये गैलेक्सी नोट 10 प्लस है, तो ये प्लस ही है, कोई प्रो वर्जन आप एक्सेप्ट मत कीजिए, ये हाई एंड डिवाइस है। आप देख सकते हो कैमरा ये कम्प्लीटली बहुत ही सही है। ऊपर देखिए आप, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। गैलेक्सी S10 से तो बेहतर ही है, क्योंकि गैलेक्सी S10 में थोड़ा बड़ा था कैमरा कटआउट और साइड में था, लेकिन ये कैमरा थोड़ा छोटा है और बीच में है, तो आपको डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चारों ओर आप देख सकते हो कर्व डिज़ाइन, 6.7 इंच का डिस्प्ले तो होगा ही होगा जैसे भी, ये तो गारंटीड है, आप लिख के ले लीजिए। नेक्स्ट, जब आप नीचे आते हो तो चिन को देखिए, चिन बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, एप्पल एक्सेस मैक्स जैसे है। जैसे कि आप देख सकते हो ये गैलेक्सी S10 से इतना मतलब थोड़ा बहुत कंपेयर खाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों सेम ही लगेंगे, क्योंकि उसमें भी गैलेक्सी S10 सीरीज में भी उसका जो चिन था वो बहुत छोटा ही था। डिज़ाइन वाइज बहुत मुझे अच्छा लगा, रेक्टेंगल फॉर्म फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आपको एस पेन तो ज़रूर मिलेगा विथ इम्प्रूव फीचर्स। और पीछे के डिज़ाइन की अगर हम बात कर दें तो लोग बोल रहे थे कि कुछ अगले होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ, या फिर मुझे ऐसा कोई दिखने में मुझे इतना कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ ये लगा कि जिस हिसाब से इसका कैमरा जो बिजी है, कैमरा जो स्पेसिफिकेशंस पीछे जो आ रहा है और उसका डिज़ाइन जो आ रहा है, वो ऑब्वियसली बिजी है, क्योंकि ये बहुत सारे फ़ोन में भी ऐसे ही होते हैं, ट्रिपल कैमरा साइड में होते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होता तो मुझे सही लगता। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सेम ही है, सेम है, और इसका कैमरा भी इम्प्रूवमेंट बहुत होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर के साथ अभी आने वाला है, तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है। डिज़ाइन आगे का देख लो, पीछे का देख लो, कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहा है, और ये बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ भी आएगा। सो गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमें मिल गया है लाइव इमेजेस, लाइव लीक्स, तो अभी बस वेट करना है कि अगस्त 10 तक इसका लॉन्च डेट में, इसका फाइनली ऑफिशियल रिलीज डेट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तब तक आप प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, क्योंकि नोट 10 अभी बस फिलहाल लीक होना शुरू हुआ है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलते ही रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस आउट।